दोस्तों आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। पहला जानेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं गंगा राप्ती, गंडक, घाघरा, काली, यमुना, रामगंगा, शारदा। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं वह टॉन्स, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन। और मैदानी भाग की से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं वह गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईसन। चौथा पॉइंट है गंगा की सहायक नदियाँ। और दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ वह यमुना, टॉन्स और सोन। यदि पूछ ले जाए कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली गंगा नदी में नदियाँ बताइए तो बताएंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। ये नदियाँ जाके गंगा नदी में मिलती हैं और सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाके क्या बनाती हैं? डेल्टा। पॉइंट है उत्तर प्रदेश के बांध। अभी तक आपने पढ़ी थी नदियाँ, अब है बांध। जो कि झांसी जिले में प्रमुख बांध है वो पथराई बांध, जो कि पथराई और सुखनाई नदी पर बना है। परीक्षा बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है। माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है। सुकमा डुकमा बांध ये भी बेतवा नदी पर बना है। अगला है ललितपुर जिले के प्रमुख बांध जामनी ने जो कि जामनी नदी पर बना है। रोहिणी बांध जो कि रोहिणी नदी पर बना है। सहजाद बांध जो कि सहजाद नदी पर बना है। गोविंद सागर बांध जो कि सहजाद नदी पर बना है ये भी। सजनाम बांध जो कि सजनाम नदी पर बना है। राजघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है। अगला मिर्जापुर जिले के प्रमुख बांध जैसे कि जिरगो जो कि जिरगो बांध है वो जिरगो नदी पर बना है। अहरौरा बांध जो कि गराई नदी पर बना है। मेजा बांध जो कि बेलन नदी पर बना है। अधवा बांध जो कि अधवा नदी पर बना है। सिरसी बांध जो कि बखेर नदी पर बना है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांध जो कि मुंसाखंड बांध जो कि चंदौली में कर्मनाशा नदी पर स्थित है बना है। मौदहा बांध जो कि हमीरपुर में ब्रह्मा नदी पर बना है। सलारपुर बांध जो कि महोबा में करदियग नदी पर बना है। और चंद्रप्रभा बांध जो कि चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर बना है। कन्हार बांध जो कि सोनभद्र कन्हार नदी पर बना है। सोनभद्र में कन्हार नदी पर बना है। अगला गढ़वा बांध जो कि चित्रकूट में बना है।